हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ मैं कॉक ब्रांड की 45 सेंटीमीटर की ग्राउंड चक्कर। तो इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, अपना छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और इस ग्राउंड चक्कर को पहले हम पूरा खोलते हैं और फिर इसकी लेंथ को नापेंगे ये वाकई 45 cm है कि नहीं है। आप पूरा ओपन कर लें, पूरा खोल इसको, ग्राउंड चक्कर देखें कितना लंबा है। आज इसको सीधा कर। तो गाइस, हमने पूरा ग्राउंड चक्कर इसको खोल लिया है और ये यहाँ से देखिए, मैंने एक साइड इसको सिरा पकड़ रखा है और ये देखिए इतना लंबा है। ये दूसरा सिरा देखिए यहाँ पे है, इसने पकड़ रखा है। तो अब इसको हम स्केल से नापते हैं। तो गाइस, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ये यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, ये एक, और यहाँ से हम पलट दें तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। और 30 के बाद देखिए कितना बचा है, ये पूरा 15 तो नहीं बचा है। अब मैं इसको यहाँ से नाप लेता हूँ इसको इस तरीके से। तो गाइस, ये 45 सेंटीमीटर से कुछ कम है क्योंकि इसका ये लास्ट आ रहा है, ये 9 तक आ रहा है। तो 30 और ये 39 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन कंपनी वालों ने उसमें 45 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये उसमें छोटी है। तो गाइस, आपको पता चल गया कि जो लिखा है उससे थोड़ा तो कम है, लेकिन फिर भी इसका परफॉर्म काफ़ी अच्छा था। अब मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करता हूँ, आप लोगों को जला के दिखाता हूँ। तो गाइस, जिस ग्राउंड चक्कर को मैंने पूरा खोल लिया था वो मैंने चिमटी की मदद से इसको तार में यहाँ लटका दिया। अब मैं इसमें इसको ऐसे ही आग लगाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस, ये ऊपर ही घूमने लगी है। तो गाइस, पहला वाला ग्राउंड चक्कर तो रो रोक के जला था, तो मैंने इस एक ग्राउंड चक्कर और खोल लिया है और मैं इसको ट्राई करता हूँ ये कैसे इस तार पर घूमता है, किस तरीके से जलेगा, आपको दिखाता हूँ।